राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम नरेंद्र कुमार यादव। किसान भाइयों, मैं आपकी जानकारी के लिए आज तरुई की फसलों के बारे में बताऊंगा कि यदि आप तरुई की खेती व्यापारिक रूप से करते हैं तो उसके बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे जो कि बीएनआर कंपनी का हाइब्रिड बीज तरुई का, चिकनी तरुई का आता है, वो आलोक के नाम से, जो कि बहुत ही बढ़िया और अच्छी व खाने में स्वादिष्ट इसके फल होते हैं और इसकी उपज भी अच्छी होती है। किसान भाइयों, यदि आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप सर्वप्रथम आप इसके जो बीएनआर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही बीज लाएं, क्योंकि इसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होती है। फल का आकार, रोग प्रतिरोधक क्षमता और तमाम जो कि मार्केट में जिन कंपनियों का भी बीज आ रहा है उनसे अधिक उपज देती हैं। किसान भाइयों, आपको यह ध्यान रखना है कि आपको किस कंपनी का बीज लेना है। किसान भाइयों, बेनार कंपनी का आलोक के अलावा बाज़ार में आपको धान्या सीड्स बेस, जो कि रैलीज इंडिया लिमिटेड कंपनी देती है, किसान भाइयों इसकी भी उपज बहुत ही अच्छी होती है। किसान भाइयों, आप जो धान्या सीड्स की तरुई आती है इसका नाम सिंधु होता है। किसान भाइयों, इसकी पैदावार, रोग प्रतिरोधक क्षमता, खाने में स्वादिष्ट और उत्तम गुणवत्ता वाली होती है। इसकी उपज बहुत ही अच्छी होती है और ये 45 से 50 दिन में इसमें फूल फल आने लगते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा मार्केट में आपको यदि इसका बीज नहीं उपलब्ध हो पाता है तो आप सनराइजिंग सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, हाँ किसान भाइयों, सनराइजिंग सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो कि हाइब्रिड सपना के नाम से तरुई आती है, किसान भाइयों यदि आपको आपके नज़दीकी बीज भंडार की दुकानों पर यह बीज बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। किसान भाइयों, इसकी सबसे खास बात होती है कि इसमें 45 से 50 दिन में फूल फल आने लगते हैं। इसके फल, इसकी गुणवत्ता, खाने में इसके फल बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा आप यदि व्यापारिक रूप से तरुई की खेती करते हैं तो उत्तम गुणवत्ता वाला जो बीज होता है वो इंडो सेम कंपनी का, जो कि मोहित के नाम से हाइब्रिड चिकनी तरुई का बीज देता है। किसान भाइयों, यदि आपको व्यापारिक रूप से तरुई की खेती करनी है तो आप इंडो सेम कंपनी का बीज उपयोग करें। इसकी गुणवत्ता, फल का आकार, खाने में स्वादिष्ट होती है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो किसान भाइयों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद किसान भाई।